दूसरे राउंड की वोटिंग में वही हुआ जो पहले राउंड में हुआ था, मतदान घट गया। सुबह वोटर्स की लाइन लंबी थी, दोपहर बाद लाइन छोटी हो गई, शाम होते होते वोटर गायब भी हो गए। एक दो नहीं, पूरे 9% कम मतदान की खबर है। फाइनल नंबर में थोड़ा बहुत सुधार हो भी जाए तो 5 साल पहले जितने वोट पड़े थे उतने वोट नहीं पड़ने वाले। आज जहां वोट पड़े ये वो सीटें थी जहां 2019 में बीजेपी और एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अपनी। क्या 65-70 का स्ट्राइक रेट मेंटेन अब मुश्किल हो गया है? क्या 400 पहुंचना अब नामुमकिन है? वोट घटने से किसका नुकसान ज्यादा है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठका ठक, साल के 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में ठक। दूसरा राउंड कौन जीत रहा है, सेकेंड फेज का आकलन क्या है? नरेंद्र मोदी कहते हैं सेकेंड राउंड में उनके विरोधी ध्वस्त हो गए। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस की गारंटी पर ठकाठक वोट पड़ रहे हैं। हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठका ठक, साल के 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में ठक। मोदी और राहुल ही नहीं, चुनावी रण में उतरा हर नेता अपने अपने हिसाब से दावे कर रहा है। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। गारंटी मोदी भी दे रहे हैं और गारंटी राहुल गांधी भी दे रहे हैं। सवाल है कि वोटर ने किसकी गारंटी पर मुहर लगाई? दूसरे फेज में क्या हिंदू मुसलमान चला? सेकेंड राउंड में क्या राम और राशन चला? मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरफा वोट पड़ा, मुसलमान वोटर भारी संख्या में बूथ पर आए और बदलाव के लिए वोट डाला। तरक्की के लिए करेंगे, देश की तरक्की के लिए करेंगे, जातिवादी के लिए नहीं करेंगे। मोदी के ज़माने में जातिवादी बहुत चली और बहुत मुसलमान परेशान है, बल्कि हर आदमी परेशान है। शेख इमरान, 55 ईयर्स कांग्रेस के राज था, 55 ईयर्स में जितना एक इंडिया परेशान नहीं हुआ ना, उतना 10 साल में हो गया, 14 से लेकर 24 तक। ये मैं ही नहीं, ये सारे लोग बोलते हैं। नसीमुद्दीन, कौन सा नेता बदलाव ला सकता? राहुल गांधी। देश में आपको लगता है देश आगे गया है पिछले 5 वर्षों में? पीछे चलेगा ना, सब महंगाई हो गई, GST लग गई, टैक्स लग गया हर चीज़ पे। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है। हमारा जैसे राहुल गांधी हैं, वो अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम होगा। राहुल गांधी आपके नेता है? हाँ, हमारा नेता राहुल गांधी। ओवैसी साहब हमें बढ़िया लगते हैं, इनका कहना है कि 4 विधायक हमारे चले गए, यहाँ तो खुद नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। सर, ओवैसी को भी उतना पसंद ये नहीं बोल सकते, ओवैसी को पसंद कर रहे हैं या कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, एक माइंड है कि भाई कंटिन्यू क्या नाम है सांसद हमारे जावेद साहब रहे हैं, इस बार चेंज करके थोड़ा ओवैसी को लाया जाए। MI में 1-2 सीट से कुछ होने वाला नहीं है ना, गठबंधन में वोट करने जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर। मोदी जी की सरकार तो हर जगह से बदनाम है, किसान से भी बदनाम है, या जीते या हारे कांग्रेस। मोहम्मद मोहिउद्दीन। हम लोगों को नज़र नहीं आया कि कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कौन सी काम, कुछ काम का कोई पता नहीं हम लोगों का। जी शाहबाज आलम। हमारा मुद्दा है जो विकास होना चाहिए, जो देश का है विकास है, ऐसा जुमलावास नेता सरकार नहीं चाहिए हमको। आपका नाम क्या है? अख्तरी। हाँ, अख्तरी। अच्छा, आप बताओ कि क्या
कुछ काम हुए सरकार में पिछले 5 साल में? बढ़िया काम है। हाँ, तो नेता कौन बढ़िया लगता है? लागो तो मोदी के बढ़िया। मोदी जी? हाँ। और दूसरे नेता नहीं बढ़िया लगते? अच्छे अच्छे महाराज, बढ़िया जो कोई काम कर भी वहाँ के बढ़िया लाग भी। मुस्लिम वोटर का बड़ी तादाद में बूथ पर आना और इन तस्वीरों का सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, इसमें भी मोदी का ही फायदा है। कैसे ये आगे बताते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि हिंदू वोटर के बीच किसकी हवा चल रही है। क्या हिंदू वोटर ने हिंदू होकर वोट किया? या हिंदुओं ने जातियों में बंटकर वोट डाला? आज की जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही है, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली वांट टू कंटिन्यू विद दिस सेम गवर्नमेंट। 10 साल में जो देश में बदलाव आया है, ये 70 सालों में कभी नहीं आया। 10 साल में हुआ है वो हमारी लाइफ में कभी नहीं हुआ। मतदान कर दिया और मतदान विकास के लिए किया है, मोदी जी के लिए किया है। किस नेता को सबसे ज्यादा सुनती है? मैं तो मोदी जी और योगी जी को सुनती हूँ। अभी तो संपत्ति के बंटवारे का मामला चल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे सब संपत्तियों की, ये बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? राहुल गांधी कौन है? किसान के मुद्दे है जी, यहाँ से जो इंडियन के डॉक्टर सागवान जी, वे जाके मुद्दे उठाएंगे वहाँ मोदी के वहाँ पे जाके। माहौल तो जो हमारे बड़े होंगे वे तो ही नलके के पीछे, अपना जहाँ जाएंगे जयंत सब वहीं रहेंगे, सब वहीं रहेंगे। क्या किया है बीजेपी ने युवाओं के लिए? आप जैसे युवाओं काम करा है, अगर जाओगे तो बहुत काम करा है, कुछ सही भी करे कुछ गलत भी करे। पहले जो है देश में हथियार भी कम थे, सेना के लिए हथियार आए हैं और काफी बहुत सारे हैं, अगर नाम ले जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। मोदी जी को 10 साल दिया है, 10 साल में बहुत चेंज कर दिया है। मुद्दे यही है, सबसे मेन मुद्दा तो हमारे लिए तो यही है, नौकरी। तो गारंटी किसकी समझ में आ रही है युवाओं को? किसी की समझ में आई नहीं जी, क्योंकि ये तो RLDP भी जाकर वहीं मिल गया जिसमें हम थे। अब मेन बात करें क्या मजबूरी है वहीं जाकर, क्योंकि अपने वाला खुंटा मां बंद किया जाकर मजबूरी में ही वोट वहीं देनी पड़ेगी जी, मजबूरी बनगी क्या करे। देखिये वैसे तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, तो ऑफकोर्स सरकार तो उन्हीं की आनी चाहिए। यंग जनरेशन सब बाहर जा रही है, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे बट वो नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। क्या बताएं भैया, बीजेपी जीतेगी मोदी के लिए, बीजेपी जीतेगी उसके लिए वोट दे रहे, वही करते हमारे तो सारे। मोदी पसंद है? मोदी पसंद है हमारा, मोदी जिंदाबाद। टीचर हूँ, देश का विकास है, देश की सुरक्षा है, करप्शन हटना चाहिए, बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए। हाँ बदलाव तो बहुत हुआ है, जैसे कि जैसे पूरे को मतलब रोड वगैरह सारे अच्छे बन गए, पूरे चौराहे अच्छे बन चुके हैं सारा। फर्स्ट फेज में 102 सीटें, सेकंड फेज में 88 सीटें, दोनों फेज मिलाकर अब तक 190 सीट पर चुनाव हो गए, यानी एक तिहाई चुनाव निपट गया, दो तिहाई चुनाव अभी बाकी है। फर्स्ट फेज में पोलिंग परसेंटेज घटा तो मोदी के दुश्मनों ने मोदी की हार का मरसिया पढ़ना शुरू कर दिया था। सेकेंड फेज में पोलिंग बूथ के आगे कतार लंबी हुई तो नया नैरेटिव चलाया गया। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने इसे मोबाइल तक फैलाया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को हथियार बनाया। मोदी के दुश्मनों का आकलन ये है कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है, मोदी के वोटर जोश में नहीं है, 2024 में 2019 रिपीट नहीं हो रहा है, बीजेपी की सीटें घट रही हैं, बीजेपी के स्थानीय नेताओं के प्रति गुस्सा है, छुट्टा जानवर गांव की बड़ी समस्या है, तीसरा टर्म आ गया तो तानाशाही होगी, बीजेपी के 25% वोटर बदलाव चाहते हैं। मोदी के दुश्मनों का आकलन आपने देखा, प्रधानमंत्री का पस्त और ध्वस्त वाला दावा भी आपने देखा, कौन कितना पस्त हुआ और कौन कहां ध्वस्त हुआ इसका सही सही आकलन तो वोटर ही बता सकता है। हम आपको स्टेट बाय स्टेट दिखाते हैं कि वोटर्स का अपना आकलन क्या है। शुरुआत बिहार से, सेकंड राउंड में बिहार में नीतीश कुमार का फैसला होना है। 2005 के नवंबर में हम लोग आए काम करने लगे, लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था? और जो मुस्लिम लोग का वोट लेने का चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का ही लोग जो मुस्लिम लोग समझते हैं, पता नहीं क्या किसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले आप लोगों के साथ झंझट होता था तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई।
अब उसको वोट दीजिएगा, अकम्मा हम लोग किए हैं, अब वोट लेगा वो, कोई काम करता? सब कमाई के चक्कर में है। दूसरे दौर में बिहार की जिन 5 सीटों पर वोट पड़े उनमें से एक भी सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, फिर भी बीजेपी और मोदी ने नीतीश कुमार की पूरी मदद की। अब 4 जून को नीतीश की नैया पार लगेगी या मझधार में फंसेगी? MIM को सपोर्ट कर रहे जी, सब लोग MIM की ही सपोर्टर है इधर गांव में, ज्यादातर गांव में ही नहीं पूरा इलाके में, किशनगंज का पूरा क्षेत्र MIM का ही दिखाई दे रहा है इस समय तो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर दिया वैसे साहब ने आगे यहाँ? देखो, करने को तो बहुत सारी काम है लेकिन अभी नजर नहीं आएगा, इसीलिए हमने पहले कांग्रेस को भी चुना है, हमने पहले कांग्रेस को भी निकाला था यहाँ से, उसने भी तो कुछ नहीं किया था, हमने बीजेपी को भी निकाला यहाँ से, उसने वोट दिया। हाँ दिया है, बहुत बार दिया है, ऐसा तो ना कि नहीं दिया, बीजेपी को भी वोट डाला है लेकिन उसने भी कोई काम नहीं किया। हम सोचा चलो एक बार जो हम MIM को भी देखते हैं, देखे 70-80% के आसपास वोट में, हाँ गाँव में अभी ईमान साहब को जा रहा है। क्या नाराजगी है कांग्रेस से? क्या कांग्रेस तो हमने 65 साल उनको वोट दिए, एक बार यहाँ से बीजेपी जीता है और बाकी जितने भी बार जीता है, चाहे क्या कहते हैं RJD हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों में से कोई जीता है। आज तक तो हम लोगों को जो है कोई सुविधा दिया ही नहीं। सही चल रहा है जी? सही चल रहा है। नेता कौन पसंद है ज्यादा? मोदी जी। अच्छा। हाँ मोदी जी बहुत ही सुंदर नेता है। अच्छा। हाँ और दूसरे राहुल गांधी? नहीं सर, मोदी जी, मोदी जी। रोड का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, ऐसे हर चीज किसान को भी बहुत सहायता मिला है, इससे हम लोग खुश है मोदी जी से, और आगे भी सोचते हैं जो मोदी जी रहे। ये मोदी की गारंटी पे वोट डाला है हमने। मोदी की गारंटी? जी हाँ, मोदी की गारंटी पे वोट डाला है हमने। विकसित भारत की ओर मेरा देश जो बढ़ रहा है मोदी सरकार के नाम पे, उसी पे मैं वोट डाला है। कटिहार से सटे पूर्णिया में पप्पू यादव ने JDU की राह आसान कर दी है। पप्पू पास हो न हो लेकिन तेजस्वी जरूर फेल होते दिख रहे हैं। पप्पू को डाउन करने के लिए लालू और तेजस्वी ने JDU की बीमा भारती को RJD में शामिल कराकर टिकट दे दिया। लालू तेजस्वी ने जानबूझकर पूर्णिया की सीट कांग्रेस को नहीं दी, मगर पप्पू निर्दलीय मैदान में उतर गए। पप्पू यादव ने अकेले दोनों पार्टियों की सांस फुला रखी है। सोच तो यही है कि डेवलपमेंट हो। कैसा रहा 5 साल? 5 साल तो विकास का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। क्या सोच कर आए? कुछ बेहतर कुछ एक्सपेक्ट करके आए हैं कि अगला बार जो बनेंगे तो वो कुछ अच्छा बनेंगे। अगर ये मुस्लिम हिंदू का ये जो कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करते तो राम भगवान ना आज से 10 वर्ष पहले ही आ जाते, ठीक है। आज राम भगवान आए क्योंकि हिंदू मुस्लिम मोदी नहीं कर रहे हैं, मोदी ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। बिहार से यूपी की तरफ चलें तो पहली सीट पड़ती है मथुरा। हेमा मालिनी के सामने यहाँ कमजोर चुनौती है, फिर भी चुनाव तो चुनाव है, तो देख लीजिए मथुरा के मतदाताओं ने क्या सोचकर EVM का बटन दबाया। वन मैन आर्मी, नरेंद्र मोदी, नो वन एल्स। बहुत ज्यादा, बहुत चेंज, बहुत विकास। अच्छा। मोदी योगी दोनों ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। किन मुद्दों को सोच करके, क्या सोच करके वोट दे रही हैं आज आप? सभी मुद्दों को सोचते हुए, मथुरा शहर के विकास को देखते हुए वोट दिया है। योगी जी जैसे ही नेता होने चाहिए, तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब देश में ना मोदी जी गए ना वो चल रहा, तो मोदी जी को भी पसंद करते हैं। अब काम नहीं हुआ, काम बढ़िया नहीं किया, तो जो है एक ना एक दिन तो मतलब कुर्सी छोड़नी पड़ती है, हरेक किसी को छोड़नी पड़ती है। मथुरा से सटी सीट है अलीगढ़। सतीश गौतम यहाँ से थर्ड टाइम लकी हो सकते हैं क्योंकि वोट मोदी योगी के नाम पर पड़े। जो लोग सतीश गौतम से नाराज हैं, उन्होंने भी EVM पर कमल का बटन दबाया क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी के जो 5 साल रहे हैं पिछले, वो बहुत अच्छे रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा सपना गुप्ता है, और महिला सशक्तिकरण मेन मुद्दा रहा है मेरे लिए, तो महिलाओं को इतना आगे किया है, हर क्षेत्र में आगे हैं, हर चीज के लिए आगे हैं, पहले जो था उससे काफी बेटर है अब। मोदी और योगी, यहाँ बहुत सुरक्षा है, हम कहीं भी घूम सकते हैं आराम से, कुछ भी पहन सकते हैं, पहले तो बस चैन खिंच गई, कभी कुछ हो गया, अब हमें डर नहीं लगता, आराम से घूम सकते हैं। किसकी गारंटी में ज्यादा दम लग रहा है? हर कोई अपनी गारंटी दे रहा है। राहुल गांधी है भाई, बस 10 सालों में आपको खुद देख सकते हैं क्या हुआ है, और अब आने वाले अगर इंशाल्लाह जीत गए राहुल गांधी जी, फिर आप देखिएगा क्या होता है। सेकेंड फेज में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोट पड़े उनमें से 7 सीटें बीजेपी के पास है। 5 साल पहले अमरोहा की एक सीट पर BSP का सांसद बना था, इस बार बीजेपी का टारगेट 7x7 का है। सेकेंड फेज की एक सीट उसने RLD को दी है। जाट बहुल बागपत में
इस बार कोई चैलेंज ही नहीं है। बीजेपी आरएलडी में गठबंधन होने और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद पूरा का पूरा जाट वोट एक ही पार्टी की तरफ चला गया। बागपत का मुसलमान वोटर दूसरी तरफ गया, जिससे वोटों का काउंटर पोलराइजेशन हो गया। जयंत भाजपा में चला गया हमारा नेता, हाँ। तो वो फिर तो मोदी और चौधरी जयंत सिंह की सारी गारंटी बढ़िया ही बढ़िया है। तो वो किसान तो ऐसा जहाँ जयंत चले जाएगा वहीं खुश रहेंगे, हाँ। जो जयंत की गैल है किसान तो, हाँ। हम तो बिल का विरोध नहीं करते थे जो हम खिलाफ थे भाजपा के, हाँ। ना बिल भी बढ़िया था कायदे में वो, हाँ। तो अब यानी कि जो चौधरी चरण सिंह की विरासत है उसको आप सब संभालने में लगे हुए हैं। जयंत चौधरी ने भी भारत रत्न दिया है राजकुमार सांगवान के लिए, और हम राजकुमार सांगवान के समर्थक हैं, हम आरएलडी के समर्थक हैं, और हमारा नेता जो है एनडीए के साथ है, और सब एनडीए के साथ है, वोटिंग अच्छा चल रहा है। मेरठ से टीवी वाले राम के लिए संसद जाने का रास्ता तैयार हो रहा है। सोशल मीडिया पर चाहे कुछ भी चलता रहे, बूथ पर मोदी और योगी ही चला। सरकार बरकरार या बदलाव? अभी तो बरकरार ही है। शहर का विकास हो, महिलाओं की इज्जत हो, और बहुत बढ़िया काम हमारा योगी। हमें तो मोदी सरकार ही। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ है मेरठ का? डेवलपमेंट काफी हद तक मोदी की सरकार ही रहे, और मोदी की सरकार रहेगी। हम मुद्दों की बात करते हैं तो सीधे नाम बताते हैं। सर आपका नाम? संदीप सकुजा। सकुजा साहब, मेरठ की जनता किस बात पर वोट कर रही है? विकास के लिए कर रही है, और भगवान श्री राम के नाम पे कर रही है। बस मोदी जी का ही वो है, हमें तो मोदी जी को ही वोट देना। दिल्ली से सटा गाजियाबाद बीजेपी के लिए सेफ सीट थी, और अब भी सेफ सीट ही लग रही है। गाजियाबाद के वोटर ने पहले राउंड से सबक लिया और प्रधानमंत्री की अपील पर सुबह सुबह भारी तादाद में बूथ पर जमा हो गए। गाजियाबाद के कई इलाकों में कांग्रेस को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले। गाजियाबाद को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। विकास के मुद्दे पर देखिए, विकास के मुद्दे, हाँ जी। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ जी, खूब हुआ, चारों तरफ विकास ही विकास है प्राची जी। आपका क्या नाम है? जी एम गुप्ता। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देने आए? विकास पर। करते क्या है? बिजनेस। आप तो कई सालों से वोट दे रही हैं। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार देश का? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।